हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद जहां दिल्ली में तराहिमा मचा तो वहीं फरीदाबाद के लोगों को भी इस आपदा का कहर झेलना पड़ रहा है। अब कई जगह बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग पानी में बह गए थे उनकी शव मिलने का सिलसिला जारी है। बता दें कि पहला शव फरीदाबाद के दूलेपुर में तो दूसरा शव लतीपुर गाँव में मिला। मृतकों की पहचान लतीपुर निवासी 40 वर्षीय दर्शन सिंह और दूलेपुर इलाके के रहने वाले 25 साल के अजीत के रूप में हुई है। मृतक दर्शन सिंह के भाई यशवंत ने बताया कि उनका भाई घर का सामान निकालने के लिए गया था, लेकिन बाढ़ के पानी में भीगने के चलते दीवारें कमजोर हो गई थी। जैसे ही वो घर के नीचे पहुंचा, उसी समय दीवार सहित चद्दर उनके भाई के ऊपर गिर गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाढ़ आई है हमारा गांव छोटा सा नीचे इलाके में है हमारा गांव। 2010 में बाढ़ आई तो भी डूब गया, 2013 में बाढ़ आई तो भी डूब गया, 2023 में बाढ़ आई, अब तो कुछ बचा ही नहीं घर मकान से। ये हमारा भाई जो है वहां से अपनी बीवी बच्चन ने लेके गांव सऊपुरा में वहां निकल आया, फिर ये अपने घर देखने फिर दोबारा चला गया वहां। जैसे मकान के पास ये पहुंचा एकदम दीवार गिरी उसी में दब गए। इसके संग और था, उसको चीख सुनाई दी, वो पहुंचा इतनी देर में इसका ये लड़का है ये भी फिर पहुंच गया सुखी। हर बार तबाही झेलता है, हर बार तबाही। हमारे हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान का बंटवारा, हमारे बड़े बूढ़े वहां से आए पाकिस्तान से निकल गए, जब से हम बसे हैं यहाँ आजादी के बाद यहाँ आ गए। यहाँ आ गए जी लतीपुर गांव। हाँ जी लतीपुर गांव में, जब से ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई, ना तो हमारे यहाँ स्कूल है ना आंगनबाड़ी है, और तो का जन्म और मृत्यु दर तक नहीं होती हमारी। स्कूल भी नहीं, आंगनबाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ पढ़ने का जाते हैं बच्चे, पढ़ने यूपी में जाते हैं बच्चे, हरियाणा के बच्चे यूपी जाते हैं, हरियाणा के बच्चे यूपी में पढ़ने जाते हैं। वो भी पानी वानी ना हो तो चले जाते हैं, ना तो अनपढ़ जैसे हम अनपढ़ है बच्चे भी हमारे अनपढ़। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इसका मौत देखो जब प्रशासन ही है। आज तक हमें सुविधा नहीं मिली ऊंची जगह, ना तो पंचायत की बहुत सी जमीन पड़ी है। आप लोगों को निकाल के कौन लाया था वहाँ से? सरकार लाई थी। तो वही दूलेपुर गांव में हुई दूसरी मौत में अजीत के पिता ने बताया कि अजीत का शव यमुना का पानी उतरने के बाद एक गड्ढे से बरामद किया गया था। थाने से ही शव की सूचना उनको दी गई थी। अजीत इकलौता ही अपने घर में कमाने वाला था जो अपने पिता की बुढ़ापे की लाठी था। उनकी मांग है कि सरकार उनको उचित मुआवजा दे। अजीत है जी, बेटे हैं आपके? मेरे बेटा अभी बड़ा। कितनी उम्र से लगवाए? ये 26 साल। 26 साल क्या हुआ, कैसे मौत हुई उनको पता चला? कुछ नहीं जी, अब खाने कमाने निकला था, थोड़ा मामूली सा वो मोटी बुद्धि का था जी। यहाँ कोई बाढ़ आ गई जी, उसमें हमें कल पता पड़ी है। जब ऐसे तो कैसे बाढ़ के पानी फंस के मौत हुई है? कैसे बाढ़ के पानी के? यहाँ किस लिए आए थे फिर? वो अपने फरीदाबाद है नी, अपने ये खाने कमाने आ जाता था। आता था खाना, मतलब मेहनत मजदूरी करता था, करता था। तो आपको सूचना कैसे मिली? ये थाने से मिली। फरीदाबाद के बादशाह खान नागरिक अस्पताल में पुलिस द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत का कारण बाढ़ ही है। ग्राम रतिपुर से सूचना मिली थी कि दर्शन सिंह की मौत हो गई है, जिसकी कार्रवाई के लिए मैं मौके पर गया था। तो लतीपुर गांव में यमुना नदी की बाढ़ आई हुई है, जहां से प्रशासन ने सभी गांववासियों को गांव से बाहर निकाला। अरुआ में राहत कैंप लगा हुआ है, उसके अंदर ठहरे हुए हैं। जो दर्शन सिंह अपने घर की देख रेख करने के लिए अपने गांव चला गया था, जहां पर मकान की दीवार गिरने से दर्शन सिंह की मौत हो गई। तो परिवार वालों ने शिकायत दी है और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। दूसरा अजीत भी मिला था, वो कहां मिला था? दूसरा लड़का अजीत साउपरा खादर के पास, नीचे खादर में दूल्हेपुर के पास में यमुना नदी से बाढ़ से सड़क टूटने के कारण गड्ढा हो गया था, जिसमें अजीत को पता नहीं था कितना पानी है। ये मानसिक रूप से कमज़ोर था, इसकी पानी में डूबने से मौत हो गई और इसकी सूचना उसके परिवार वालों को दी। तो परिवार वालों ने इसकी शिकायत दी, कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या कार्रवाई चल रही है इसकी? हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करा। बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए, एक झटके में वो घर से बेघर हो गए। आजीविका चलाने के लिए उनके पशु भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए और अब लोगों के डूबने की खबर ने सबको स्तब्ध करके रख दिया है। फरीदाबाद से अनिल लाठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।